एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे वन ऊटी में। सो यहाँ पे हम लोग किस रूम में चेक इन कर रहे हैं, क्या कॉस्ट रहा, ओवरऑल मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। पहले रूम में चेक इन करने के बाद जो टाइम बचा होगा उसके हिसाब से वी आर प्लानिंग। सो आज के इस डे वन के प्लान में हम लोग ओनली एक प्लेस करेंगे, वो कौन सी है वो आपको मैं आगे दिखाऊँगी। सो यहाँ की जो बोलते हैं ना रोडें हैं, ये गलियाँ, ये जो वारा वो अलग सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। सो द नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल है। सो लेट्स एन्जॉय द व्लॉग नाउ। सो अभी हम एक जगह पे रुके हैं और यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है ऊटी के लिए। सो लंच के लिए यहाँ पे हैदराबाद बिरयानी हाउस करके कुछ दिखा है, तो यहाँ पे जा रहे हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. तो अभी हम हमारे होटल पहुंच चुके हैं। इट इज़ मैंगो हिल सेंट्रल ऊटी, एंड यहाँ का जो अनसीजन का कॉस्ट रहता है वो 3000 to 4000 के बीच में रहता है। लेकिन हम जिस सीज़न में आए हैं या जब भी जो भी टूरिस्ट विजिटिंग का जो टाइम होता है उस टाइम पे यहाँ पे एक एक रूम 18000 से 20000 तक के बिक रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप अपना कोई ट्रिप प्लान करते हैं, अगर आप किसी भी ऑनलाइन साइट से बुक करते हैं, तो एडवांस में 2 महीने पहले अगर बुक कर लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। एकदम जब जाना है तभी बुक करोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। सो जो प्राइसेस है वो वेरी करेंगे ऑन योर टाइम। सो फाइनली हम लोग हमारे होटल में आ चुके हैं। इट इज़ मैंगो हिल सेंट्रल ऊटी। अभी तक ऊपर गए नहीं है, ऊपर जाने के बाद आई विल शो यू द रूम आल्सो। सो नाउ हम अभी अपने रूम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ओनली ये वाला एक बड़ा ट्रॉली बैग कैरी किया है। लगेज ज़्यादा मत कैरी कीजिए जब भी आप ट्रिप पे जाते हैं, बिकॉज योर फोकस शुड बी ऑन व्हाट यू आर एक्सप्लोरिंग। लगेज ज़्यादा कैरी करोगे तो बाद में आपको ही ढोने में दिक्कत होगी। सो ओवरऑल ये होटल काफ़ी लग्जीरियस था, काफ़ी हाइजीनिक था, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड जो हमारा रूम है वो भी काफ़ी अच्छा था। ओनली एक जो चीज़ मुझे खली वो था बेड साइज़। हमने फैमिली रूम मांगा था किंग साइज़ का, बट उन्होंने ये क्वीन साइज़ दिया है जो क्वीन साइज़ से भी छोटा था, तो इसीलिए एक्स्ट्रा बेड लगाना पड़ रहा है। बेड पूरा अच्छे से बड़ा होता तो थोड़ी दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड लगा रहे हैं। एंड अभी हम बाहर जाने वाले हैं। उन्होंने रूम में चेक इन करने के बाद में ऑलरेडी अभी 6:45 बज चुके हैं। तो वैसे तो आज का एक्चुअली अगर सुबह से स्टार्ट करते तो ख़त्म हो जाना था, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे लेट है। सो वी हैव कम टू थंडर वर्ल्ड। पीछे कहीं दिख रहे आपको? हाँ, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ, उतरने के बाद दिखाती हूँ। सो ये सबसे नज़दीक और अभी कवर करने वाला था, बाकी जगह बाकी जो भी चीज़ें हम कवर करने वो सारी क्लोज हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम जो बाहर जो बड़े बड़े मतलब जैसे बोटानिकल गार्डन हो गया, रोज़ गार्डन हो गया, ये सारे जो है 5 बजे तक क्लोज हो जाते हैं। एंड ये बच्चों के फन के लिए अच्छा है करके हमारे जो टैक्सी वाले भैया हैं उन्होंने सजेस्ट किया था। और क्लाउड्स क्या बढ़िया लग रहे हैं नानू, क्लाउड्स छोड़ रहे हैं तो कौन है देखो, अंडर वर्ल्ड। तो रास्ता भी यहाँ से लेट्स गो। गोश्त कार लेता, इंडिया लार्जेस्ट विंटेज थर्ड आई। हे कैमरा सर, वाओ, ऑल व्लॉगिंग दी गिल्ड पीपल कैन चेक आउट। ये 1950 का कैमरा है, देन दिस इज 1982 1987।
92 इस तरह से। सो देखिए कब से इतने कैमरास, कितने साल पुराने पुराने हैं। ओ माय गॉड, दिस इज 1949, दिस इज 1923 टू 1949। सो ऑल दीज आर कैमरास नानू, बाप रे। तो यहाँ पे मैंने सोचा थर्ड आई शायद, क्योंकि एक गोश्त का वाला लुक भी था, वो भी होगा सोचा। बट दीज आर ऑल कैमराज। तो हमारी आंखें, मतलब आप भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो तीसरी आंख से जिससे मैं निकाल रही हूँ, दैट इज कैमरा, लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा। तो यहाँ पे इतने पुराने पुराने कैमराज है, एंड दिस इज मूवी कैमरा, सिनेमा कैमरा, देखो। सो हाउ वी हैव ग्रोन अप, वी कैन यू नो टेक्नोलॉजी वाइज कितना आप लोगों ने, हम लोगों ने ग्रो किया है, वी कैन सी ऑल दैट, सी द वैरायटी ऑफ कैमरा। यहाँ पे अगर मैं निकालने आऊँ तो ये सब चीज़ों को नहीं निकाल पाएंगे। कैम पॉडर्स देखो कितने सारे टाइप के हैं, ऑल द कैमरास आर डिफरेंट मॉडल के। अभी हम लोग कितने हैंडी कैमरास यूज़ करते हैं, जो मतलब देखते हैं लाइट वेट है वैसा, एंड पहले ज़माने के आप देखोगे तो कितने ज़्यादा। हाँ, एंड दीज कैमराज आर लुकिंग लाइक गन। सो ऑल दीज आर कैमराज, सो दिस इज थर्ड आई। जायंट कैमरा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा, मेमोथ कैमरा, 19th century, यू कैन रीड द टेक्स्ट, इतना ही बड़ा, 19th century स्टार्टिंग, 1900 century, बाप रे, सो ओल्ड, नाइस। व्हाट, वेट, व्हाट इज दिस, वाव, नानो, वाव, रेड, नानो, ऑन
यहाँ पे 3D हमने एंजॉय कर लिया। अभी नेक्स्ट वाले में आ गए हैं, तो आपने जो नोटिस किया होगा हर जगह पे स्टार्टिंग में एक टिक मार्क लगाया जा रहा है। तो जैसे ही आप एंट्री में ले लेते हो एक टिकट, उसके बाद सबके हाथ पे एक बैंड बांध दिया जाता है, जो जो आप देख लेते हो उसके बाद उसको क्रॉस कर दिया जाता है। एंड चार्जेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिए थे। सो ये दिस बिग फुट इज ऑल अबाउट डायनासोर्स। सो स्टार्टिंग में हम लोग जब यहाँ पे आए, सो ये बड़े बड़े डायनासोर के बोन्स टाइप के लगे हुए थे, हमने बोला बस इतना ही है क्या। बट आगे पहुँचने के बाद जो ब्यूटी है वो आगे नजर आई, देखो क्या है वो ब्यूटी। एंड हम लोग थोड़ा इधर जल्दी आ गए, अगर आप और भी अंधेरे में आओगे तो इसकी ब्यूटी जो है और भी उभर के बाहर आएगी। डायनासोर वाले में ही साइड में एक और ये वे दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स है, जो चर्चेस है या मंदिर है, एंड जो इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ मुंबई हो गया, लोटस टेंपल, जो भी फेमस है वो सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। मतलब उसका एक लाइव उसी टाइप का सेम बनाया हुआ है, ताजमहल एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो काफ़ी अच्छा है। एंड बच्चों को जब आप ये चीज़ें सारी एक्सप्लोर कराते हो तो उनके नॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, एंड कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठ जाता है दिस इज़ केरला वाला बोट का बोट हाउस एंड रेड फोर्ट पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें हैं। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखने के बाद में। एंड देन कम्स दिस अमेजिंग प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया एंड खूब मतलब क्या बोलते हैं थक भी गए थे। दिस इज़ स्नो वर्ल्ड। एक्चुअली मनाली वाली जो फील्ड है उससे भी ज़्यादा वाला फ़न दे दिया इसने, क्योंकि मनाली के लिए आप लोग ट्रैवल इतना दूर इतना ऊँचा ऊँचे करते हो, यहाँ पे एक ही के अंदर वो सेम फील आपको आ जाता है। एंड यू कैन यू नो गेट द एक्सपीरियंस कि एक्चुअली जब आप बर्फ़ वाली जगह पे जाते हो तो कैसा रहता है। सो यहाँ पे पहले बंदोबस्त के लिए सारे आपको बूट्स कोट्स सारी चीज़ें जो एक्चुअली वहाँ पे रेंट पे दी जाती थी, जैसे वैसे यहाँ पे भी पूरी चीज़ें दी जा रही है, पूरा फुल बंदोबस्त जैसा मनाली में रहता है। तो हम लोग यहाँ के स्नो वर्ल्ड में आए हैं, अंदर जा रहे हैं, तो इतना सारा बंदोबस्त है मनाली वाला फील। ओह माय गॉड, thank you.
हमने थंडर वर्ल्ड पूरा कवर कर लिया, काफ़ी एंजॉय किया, बच्चों ने ज़्यादा एंजॉय किया एंड हमारा मेन मोटिव यही है कि हम कहीं आए हैं तो हमसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय करें। सो थंडर वर्ल्ड ऑल ओवर गुड एक्सपीरियंस। सो थंडर वर्ल्ड के टिकट्स का जो व्यू है मैंने आपको दिखा दिया था, तो हम चारों का जो है 2160 रुपीज़ हुआ, एडल्ट्स का जो है 590 का एंड चिल्ड्रेन का 490 का। सो नाउ हम अपने रूम में जा रहे हैं एंड उसके बाद रूम में जा रहे हैं एंड उसके बाद वहाँ पे होटल में डिनर्स अवेलेबल है, मतलब वी हैव टू स्पेंड, टूरिज्म वाले नहीं, हमको ही खुद खर्च करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, डे वन वीडियो, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा के मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।